है गाइस, चलिए देखने की कोशिश करते हैं न्यूक्लिक एसिड के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन दैट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय, कि न्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे स्टेबलाइज्ड होते हैं। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस, कोवेलेंट इंट्रैक्शन, कोवेलेंट एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से वो जो होते हैं वो स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो आंसर वुड बी द फोर्थ, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्टैकिंग इंट्रैक्शंस के लिए, एंड द सम ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस इज ऑल्सो देयर। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, द डी नेचुरेशन ऑफ डी एन ए, डी नेचुरेशन ऑफ डी एन ए जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस है, कोऑपरेटिव फिनोमिना है, एंड नाइदर लीनियर नॉर कोऑपरेटिव फिनोमिना है। सो ये अगर डी नेचुरेशन के ऊपर बात किया जाए, सो इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं सो ध्यान देना, डी नेचुरेशन, अगर डी नेचुरेशन के ऊपर बात चर्चा करते हैं तो डी नेचुरेशन इज़ समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कि आपके पास ये इस तरीके का कर्व आता है और आपको कर्व जो होता है वो लीनियर नहीं ऐसा कर्व मिलता है। सो दिस इज़ लाइक कॉट कर्व जो आप देखते होंगे, तो ये है आपका कॉट कर्व जो कि इस तरीके से पाया जाता है, कॉट कर्व। तो डी नेचुरेशन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस, ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। इसके बाद है लीनियर प्रोसेस, तो कर्व ये जो होता है इसका ग्राफ जो होता है वो आपका एस शेप्ड ग्राफ जैसा होता है, ये आता है तो एस शेप्ड ग्राफ के तरीके से, और कहीं ना कहीं अगर एस शेप्ड ग्राफ के तरीके से आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ कोऑपरेटिव मैनर, ठीक है ना। तो ये जो है एस शेप्ड आ रहा है, कोऑपरेटिव मैनर में जो है काम कर सकता है, सो कोऑपरेटिव फिनोमिना है, और ये बोल रहा है नाइदर लीनियर नॉर कोऑपरेटिव फिनोमिना। सो आंसर जो है वो है थर्ड, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव फिनोमिना। अगर ये देखोगे सो इट विल लुक लाइक एस शेप्ड, इस तरीके से बन रहा है, एस शेप्ड होता है दैट मीन्स इट इज़ अ कोऑपरेटिव फिनोमिना। क्या बोला गया, ये जो है ये कोऑपरेटिव फिनोमिना के तरीके से काम करता है, ठीक है जी, लीनियर ना होकर यह कोऑपरेटिव होता है। सो दिस इज़ योर राइट स्टेटमेंट, दैट इज थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट डीएनए हेलिक्स जी सी एंड ए टी बेस पेयर्स, जी सी और ए टी बेस पेयर स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर पैरेलल टू द हेलिक्स एक्सिस, स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर परपेंडिकुलर द हेलिक्स एक्सिस, एंड स्टैक साइडवेज परपेंडिकुलर द हेलिक्स एक्सिस, एंड स्टैक साइडवेज पैरेलल टू द हेलिक्स एक्सिस। तो जो जी सी ए टी बेस पेयर होते हैं, अगर इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सो वेन लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, डीएनए कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है ना, ये जो होते हैं, इसका जो हेलिक, इसका जो एक्सिस होता है वो इस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से। यहाँ पे जो केस होते हैं, ये बेसिस जो होते हैं, मान लीजिए ए है और ये टी है, इसके बाद जी है, फिर ये है सी। तो इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो एक्सिस से जो होते हैं ये पर्टिकुलरली आपके जो ओवरलैपिंग या स्टैकिंग होती है वो स्टैकिंग पैरेलल नहीं होती, वो स्टैकिंग परपेंडिकुलर होती है, ऐसे परपेंडिकुलर। सो स्टैकिंग विल बी द परपेंडिकुलर, स्टैकिंग जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, नॉट पैरेलल वन, स्टैकिंग जो है आपको परपेंडिकुलर मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि परपेंडिकुलर हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेकेंड और थर्ड। अब ये ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर या साइड वेज पे होते हैं, तो ये जो स्टैकिंग होती है ये आपके टॉप ऑफ ईच अदर मतलब इस तरीके से रहते हैं, ये चीज़ चलती रहती है, कुछ स्टैकिंग इंट्रैक्शंस इधर होते हैं यहाँ पे, तो ये टॉप के ऊपर एक का नाइट्रोजनस बेस जो होता है दूसरे से जब ओवरलैप करता है तभी स्टैकिंग की बात आ रही होती है। तो यहाँ पर जो होता है टॉप की बात आ रही है, तो टॉप होगा एंड परपेंडिकुलर होगा, तो आंसर शुड बी लाइक सेकेंड वन, जो है सेकेंड वन आंसर जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, हियर इन द टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस,
द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ATG, ATG टेट्रा न्यूक्लियोटाइड के ऊपर बात किया जा रहा है, तीन ही पॉसिबल है, तो उस चीज़ को समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसानी से अगर हम बात करें तो देखने की कोशिश करिएगा कि आपके पास टेट्रा न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, और फिर उसके बाद आपका चौथा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे। ये चार न्यूक्लियोटाइड हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड पे आपके पास तीन बेस आ सकते हैं, ए, जी और टी। यही तीनों दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ATG, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ATG में मतलब थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसके बाद अगर इसके यहाँ थ्री है तो इसके पास भी थ्री होगा, AGT में से आ सकता है कोई भी। इसके पास थ्री भी है, इसके पास थ्री है, तो ये जो है, अगर आपके पास चार न्यूक्लियोटाइड है तो दिस विल बी 3 to power 4, एंड दिस इज नोन एज 9 27 3 जा, दैट इज 81। 81 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे पाया जा सकता है इस पर्टिकुलर केस में। तो 81 दैट इज़ अ सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये कंडीशन आपको अपेयर होता है। नाउ इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करते हैं, दैट अ कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA, एक कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA वॉज इन रिलैक्स स्टेट। कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA वॉज इन रिलैक्स स्टेट इन अ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलैक्स स्टेट में है इस समय पर। वॉट विल हैपन इफ द वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेज टू द 60 डिग्री और डिक्रीजेज टू द 10 डिग्री। अगर या तो उसको हम बढ़ा दें या तो उसको घटा दें। सो कंडीशन इज लाइक कि ध्यान देने की कोशिश करेगा, DNA विल अंडर गो पॉजिटिव सुपर कॉलिंग एट 60 डिग्री एंड नेगेटिव सुपर कॉलिंग एट 10 डिग्री। इट विल बी रिलैक्सड एट 60 डिग्री एंड सुपर कॉल्ड एट 10, नेगेटिवली सुपर कॉल्ड एट बोथ एंड विट गिव द नेगेटिव एंड ऑल। तो आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि टेम्परेचर जो होता है किसी भी पर्टिकुलर DNA को, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को आंसर पे ए और डी में से हो सकता है, क्योंकि बाकी तो गड़बड़ ही बोल रहा है कि चेंज नहीं होगा। बट विल डिस्कस कि टेम्परेचर जो होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज डीनेचुरेशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज डीनेचुरेशन इंक्रीजेज, ये होता है। एंड व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज डीनेचुरेशन विल डिक्रीज, डीनेचुरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कंडीशन क्या होता है कि डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन होगा तो यहाँ पे लूज होगा हेलिक्स। हेलिक्स क्या होगा? लूज होगा, मतलब पहले इस तरीके से था, ये कॉम्पैक्ट तरीके से था DNA, और जैसे डीनेचर होगा तो ये थोड़ा सा लूजली तरीके से होगा। और लूज होने का मतलब दैट इज़ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होना। ध्यान देने की कोशिश करना, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अगर हो रही है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब जो है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर हेलिक्स का जो है वो टाइट होना, या हम इसको बोल सकते हैं ओवरवाइंड होना, ओवरवाइंडिंग, ठीक है ना, और ज़्यादा टाइट होगा, मतलब ये ऐसे 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 हो जाएगा, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है। हेलिक्स का टाइट होना, ओवरवाइंड होना। एंड अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, तो व्हेन यू कंसीडर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या हो जाता है कि दैट हेलिक्स शुड बी, हेलिक्स जो है वो आपका लूज होगा। लूज होने का मतलब अंडरवाइंडिंग या अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग का मतलब ये ऐसे लूज सा हो जाएगा। सो डीनेचुरेशन विल कॉज लूजनेस ऑफ हेलिक्स, दैट ऑल्सो कॉज अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स। अनवाइंडिंग होगा मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ लेके जाएगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ। तो एट आपको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मिलेगा हायर टेम्परेचर पे, बिकॉज हायर टेम्परेचर कॉज लूजनिंग एंड हायर टेम्परेचर विल कॉज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो 60 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मिलेगा। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग 60 डिग्री पे जो है वो सिर्फ आपका पाया जा रहा है स्पेसिफिकली एट द 41, ठीक है। एंड 10 डिग्री पे जब जाएंगे तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे DNA थोड़ा सा इसकी डिनेचुरेशन घटेगा, तो ये जो है टाइट या ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, तो जिसकी वजह से ओवर वाइंडिंग होगी। एंड ओवर वाइंडिंग की वजह से यहाँ पे कंडीशन क्या अपीयर हो जाएंगे, दैट विल लाइक लो टेम्परेचर पे आपको
पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता मिलेगा, स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपको अपीयर होगा. फोर्थ वन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास दैट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर पेयर टू फॉर्म अ None of the given operons, right-handed double helix with 8 nucleotide per helical turn, right-handed double helix with 10 nucleotide per helical turn and left-handed alpha helix with 10 nucleotide pairs per helical turn. So, जब भी कोई टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है तो वो जो होते हैं वो जनरली आपके राइट हैंडेड की तरफ से ही जाएंगे. ठीक है ना. सो इन्होंने क्या किया है कि ध्यान देने की कोशिश करिएगा इस पर्टिकुलर पे आंसर के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए एक डीएनए मॉलिक्यूल है, टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, अपोजिट स्ट्रैंड्स है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से हैं. सो जनरली जो होता है कि एक टर्न की बात करते हैं तो एक टर्न में नॉर्मल जो हेलिक्स होता है, ठीक है ना, नॉर्मली हेलिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि चाहे बी डी एन ए इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, बी डी एन ए जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है और बी डी एन ए होता है आपका राइट हैंडेड, ये आपका राइट हैंडेड फॉर्म होता है. तो अगर आपके पास दो हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री शो कर रहे हैं तो मोस्टली जो है वो राइट हैंडेड फॉर्म करेंगे. अब इसमें बात आती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड पर टर्न, तो जनरली बी डी एन ए में जो होता है 10 बेस पेयर जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली पर टर्न पाया जाता है, 10 और यू कैन से 10.4 जो कि एक कॉमन फॉर्म है, जो कि एक कॉमन फॉर्म है 10 और 10.4, तो राइट हैंडेड होगा विद द 10 बेस पेयर पर टर्न. ये एक जनरल फॉर्म की बात की जा रही है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वन, राइट. तो ये कंडीशन आपको अपीयर